हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम हर रोज़ की तरह नो कांटेक्ट पर रीडिंग करेंगे, लेकिन उसके पहले बोल दूँ ये मेरा पर्सनल पेड रीडिंग के बुकिंग नंबर है। जिनको भी नंबर चाहिए तो वो लोग स्क्रीनशॉट ले लो। इस मंथ में 111 में कोई एक क्वेश्चन का आंसर मैं दे रही हूँ, तो जिनको भी चाहिए वो ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज अगर बड़े रीडिंग चाहिए आपको, वहाँ पर भी आपको जो है डिटेल्स मिल जाएंगे। तो चलिए रीडिंग को हम करते हैं स्टार्ट और देखते हैं आज के दिन में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है, हर कोई देख सकता है और किसी भी वक्त देख सकता है। सारे रिलीजन के लोग देख सकते हैं, सारी जेंडर के लोग देख सकते हैं। सिंगल, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्स, विडो, सबके लिए रीडिंग ओपन है। तो चलिए रीडिंग हम करते हैं स्टार्ट और देखते हैं आज के दिन में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। प्लीज एंसर गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। जो लोग भी नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, लेस कांटेक्ट में है, ब्लॉक सिचुएशन में, ब्रेकअप सिचुएशन में है, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट क्या है। प्लीज एंजल गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट क्या है। एक्सॉशन, और क्या सिचुएशन है। प्लीज एंजल गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट सिचुएशन क्या है। थर्ड पार्टी में परेशान है, वहां से केयर फ्री होके बाहर आना चाह रहे आपके पर्सन, वहां से फ्री होना चाह रहे हैं। थ्री मोर कार्ड्स, फाइटिंग की एनर्जी में है, गुस्से की एनर्जी में। देखिए मैंने बोला नहीं कि फाइटिंग की एनर्जी में, और देखिए टोटलिटी भी आया है और फाइटिंग भी आया है, मतलब फाइव ऑफ वैंड्स जो कि झगड़े की एनर्जी को दिखाता है। टू मोर कार्ड सेंचर, आज के दिन में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में, आज के दिन में क्या चल रहा है, आज के दिन में क्या चल रहा है। तीन कार्ड आ गए हैं। तो अवेकनिंग से गुजर है आपके पर्सन, नॉलेज विस्डम उनको रिसीव हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपके तरफ फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बहुत क्विकली आपके तरफ आना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, वो गोइंग विद द फ्लो में जा रहे हैं। सिचुएशन जैसे उनको लेके जा रहे हैं वो वैसे ही चलता जा रहे हैं और खुद को स्ट्रेंथ पावर दे रहे हैं, और कुछ सिचुएशन में बहुत ज़्यादा गुस्से वाली एनर्जी है, फाइटिंग की एनर्जी है, लेकिन खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, खुद की राग को, नाराज़गी को कंट्रोल कर रहे हैं। कोई तो दो सिचुएशन है और उनमें से वो पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे हैं कैसे बाहर आए, कैसे खुद को जो है एंजॉय करने की मूड में, हल्के मेजर्स में लेके आ सके, और कोई पावरफुल डिसीजन वो लेना चाह रहे हैं यहाँ पर। सारे कार्ड्स आपको देख नहीं रहे होंगे तो ठीक तरह से मैं इसको, तो हर रोज की तरह मैं क्लैरिफाई करूंगी। तो थर्ड पार्टी को लेके कोई मेजर डिसीजन आपके पर्सन लेना चाह रहे हैं आज के दिन में। तो चलिए ओवरऑल क्या एनर्जी है क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज एंजल क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक, क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक, क्लैरिफाई द स्प्रेड फ्रॉम दिस डेक। एग्जॉशन क्यों आया है एंजल यहाँ पर, एग्जॉशन क्यों आया है, कौन सी चीज़ का एग्जॉशन है मेरे व्यूअर्स के पर्सन को। देखिए एग्जॉशन को एग्जॉशन नहीं क्लैरिफाई कर दे रहे हैं, कुछ सिचुएशन में आपके पर्सन बहुत दिनों से स्टक है, वहाँ से बाहर नहीं आ पा रहे, डर रहे कुछ सिचुएशन में, या फिर डरने की वजह से वो मूव नहीं कर पा रहे, वहाँ से कोई स्टेप नहीं ले पा रहे थे, बहुत ज़्यादा स्टक थे, ओके। और वहाँ पर उनका दम भी घुट रहा था, बहुत ज़्यादा वो जो है टायर्ड फील कर रहे थे सिचुएशन को झेलते हुए, ठीक है, मतलब और नहीं ले पा रहे वो उस सिचुएशन को। और आ गया है यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ सोर्स, तो उसके बाद ये टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड सेट, दी पॉसिबिलिटी यहाँ पर देखिए टू ऑफ पेंटिकल है, तो जो भी दो सिचुएशन है वहाँ से बाहर आना चाह रहे हैं, तो सेम कार्ड यहाँ पर आ चुके हैं, तो बहुत क्विकली आपके तरफ आना चाहते हैं आपके पर्सन। कैसा पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन,
कैसा पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे हैं, प्लीज एंजल गाइड मी, क्या पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे हैं, स्टैंड लेना चाह रहे ऑब्स्टिकल्स में। देखिए फाइट तो हो रहा है किसी न किसी के साथ, और वो उनका कार्मिक हो सकते हैं जिन जिनके साथ फाइट हो रहा है, तो हो सकता है उनके फैमिली, हो सकता है उनका कैरियर, पेंटिकल का इशू कोई भी हो जो कि उनको कंट्रोल करे, कोई फीमेल फिगर भी हो सकते हैं जो कि उनका कर्मा है, तो वहाँ पर फाइट हो रहा है आपके पर्सन। जो भी ऑब्स्टिकल्स है आप दोनों के बीच स्टैंड लेना चाह रहे हैं, आप ही उनका विश फुलफिलमेंट है, और आपके साथ रीयूनियन में आना उनका विश फुलफिलमेंट है। ओके, प्लेफुलनेस क्यों आया है एंजल यहाँ पर, प्लेफुलनेस क्यों आया है, बोल्ड डिसीजन लेना चाह रहे हैं आपके तरफ, आपके बिना दुखी है, ठीक है, आप उनके पास नहीं हो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, दुखी है, अपसेट है, छुप छुप के रोते होंगे, लेकिन इस दुख भरी एनर्जी से वो बाहर आना चाह रहे हैं आपके तरफ, कोई बोल्ड डिसीजन एक्शन वो लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी है आपके तरफ, और विक्ट्री और सक्सेस आपके साथ चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं जो लोग सिंगल हो, आने वाले टाइम में आपके पर्सन बैंड बाजा बारा लेके आएंगे आपके घर, और जो भी वेटिंग सिचुएशन है, दो सिचुएशन में हैं, वहाँ से बाहर आएंगे विद द चैरियट, उन्होंने डिसीजन ले चुके हैं, हो सकता है कुछ लोग का पेंटिकल का इशू हो इसीलिए काम कर रहे हैं आपके पर्सन। फाइटिंग क्यों आया है एंजल यहाँ पर, इसको नहीं लेंगे, बहुत सारे हैं, जस्टिस चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं कुछ सिचुएशन में, और कुछ सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं जहाँ पर वो खुश नहीं है, और वहाँ से बाहर आना चाहते हैं बहुत क्विकली। देखिए दोनों फास्ट मूविंग एनर्जी यहाँ पर आ चुके हैं, नाइट ऑफ बैन, नाइट ऑफ सोर्स, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग एनर्जी है, विद द विक्ट्री सारे ही मूवमेंट की एनर्जी है, तो बहुत ही जल्दी आपके पर्सन आपके तरफ वापस आ सकते हैं, उनका कॉल मैसेजेस आपको रिसीव हो सकते हैं। तो चलिए डेथ को क्लैरिफाई करते हैं, डेथ क्यों आया है, क्या एंड होने वाला है, ब्रेकअप सिचुएशन एंड होगा, जो भी चॉइसेस है वो एंड होगा। अगर आपके पर्सन की एक्स आप दोनों के बीच में आ रहा था तो वो सिचुएशन एंड होगा, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जो भी चॉइसेस है, जो भी कंफ्यूजन है, वो सारे सिचुएशन यहाँ पर एंड होंगे। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, स्पाई करते हैं आपके बारे में, वो जानते हैं किसी और से या फिर सोशल मीडिया से, और जो भी यहाँ पर सिचुएशन है वो बैलेंस होगा, आपके पर्सन आपके तरफ आएंगे बहुत क्विकली, वापस आएंगे आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा पैशनेट है। हो सकता है कुछ लोग का यहाँ पर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो, बातचीत होता है फिर ब्लॉक सिचुएशन क्रिएट होता है। फाइव ऑफ बैंड्स क्यों आया है, देखिए वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं, और आपके तरफ बोल्ड एक्शन लेना चाहते हैं। क्वीन ऑफ बैंड्स आया था, फिर से यहाँ पर किंग ऑफ बैंड्स आ चुके हैं, तो आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो सकते हो या फिर काउंटर पार्ट हो सकते हो, और आपके पर्सन बोल्ड डिसीजन लेंगे ताकि वो कुछ सिचुएशन से मूव ऑन कर सके, और यहाँ पर देखिए प्रोटेक्टेड है वो, आपको लेके खोना नहीं चाहते हैं, आपके लिए वो किसी से भी लड़ सकते हैं, किसी से भी झगड़ सकते हैं, कुछ भी वो कर सकते हैं, इवन फाइट भी वो कर सकते हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव मूव आपके पर्सन आपके तरफ लेना चाहते हैं। कारेज क्यों आया है एंजल यहाँ पर, तो उनके लाइफ में टावर मूवमेंट चल रहा है, उस टावर मूवमेंट से बाहर आना चाह रहे हैं, हो सकता है उनका पेंटिकल का लॉसेस हो रहे हो, या फिर उनको एक के बाद एक टिगर मिल रहा है, उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, तो उन सारे सिचुएशन को एंड करके वो आपके तरफ केयर फ्री होके डिसीजन लेना चाह रहे हैं, बाहर आना चाह रहे हैं उन सारे स्टक सिचुएशन से, और बैलेंस करना चाह रहे हैं, न्यू बिगिनिंग चाह रहे, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, और आप दोनों के बीच जो भी टावर मोमेंट है उनको ख़त्म करना चाहते हैं। अवेयरनेस क्यों आया है एंजल यहाँ पर, अवेयरनेस क्यों आया है, उनको नॉलेज मिल रहा है कि उनके आपके साथ ही उनको न्यू बिगिनिंग करना है, इसीलिए वो खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, और उनको पता चल चुका है कि वो आपके बिना खुश नहीं रह सकते, वो आपके बिना दुखी रहेंगे, उनका हार्ट ब्रोकन वो फील करेंगे हमेशा ही, आपके लिए दर्द महसूस करेंगे, आपके लिए रोएंगे तड़पेंगे, इसीलिए जो है वो आपको ही चाहते हैं, आपको ही मैनिफेस्ट करते हैं, और कोई तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसके बारे में भी उनको जो है सच पता चल चुका है कि थर्ड पार्टी उनके लिए क्या है, कैसा है, क्योंकि ये जो कार्ड है अवेयरनेस का कार्ड है, ठीक है, तो थर्ड पार्टी का जो ट्रूथ है
कैसा है थर्ड पार्टी और उनके लिए क्या चाहता है, उनके लिए कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो सिचुएशन उनको पता चल चुका है। इसीलिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ ही न्यू बिगिनिंग चाहते हैं और आपके लिए ही वो खुद को प्रिपेयर करे ताकि वो आपके तरफ आ पाए। ओके, इंटेंसिटी क्यों आया है एंजल यहाँ पर, कैसा इंटेंसिटी, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, देखिए टोटलिटी आया था यहाँ से, यहाँ से फिर फाइव ऑफ वैंड्स आ गए, दोनों कार्ड दोनों डेक से आ गए सेम कार्ड। हाई प्रिस्टेस विद द एम्परर, यहाँ पर एम्परर ऑलरेडी आए हुए हैं। द रेबल नंबर फोर देखिए यहाँ पर और यहाँ पर, तो कोई तो थर्ड पार्टी के साथ फाइट हो रहा है आपके पर्सन का, जहाँ पर आपके पर्सन हैंग्ड थे बहुत दिनों से। हो सकता है कोई फीमेल एनर्जी, हो सकता है कोई मेल एनर्जी जो कि बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो, इगोइस्टिक हो, या फिर कुछ जो है सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन, कास्ट कल्चर इशू, या फिर कोई तो ट्रेडिशनल नॉर्म्स है कि उनके घर में बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन को तवज्जो दिया जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा ओल्ड पैटर्न को फॉलो करते हैं, लव मैरिज या फिर कोई भी तरीके का चीज़ को वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मान लो कि कोई एक सिंगल है, कोई मैरिड है, या फिर कोई डिवोर्सी को कोई पसंद कर रहा है, शादी करना चाहते हैं, या फिर किसी का कोई मैरिड है उनका बच्चा है और एक सिंगल है, तो इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम आते हैं। और यहाँ पर जो है आपके पर्सन उन स्टक सिचुएशन में फाइट करेंगे, जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो भी आप दोनों के बीच आ रहे हैं वहाँ पर वो फाइट करेंगे और पावरफुल डिसीजन लेंगे, खुद की इंट्यूशन को फॉलो करेंगे और आपके तरफ आगे बढ़ेंगे इंटेंसिटी से बहुत क्विकली। ओके, और आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपके साथ शादी चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं और रियूनियन चाहते हैं। स्ट्रैटेजी बना रहे हैं आपके पर्सन, प्लानिंग कर रहे हैं कुछ सिचुएशन को काट ऑफ करने के लिए और आपके तरफ आने के लिए। गोइंग विद द फ्लो क्यों आया है एंजल यहाँ पर, गोइंग विद द फ्लो क्यों आया है, इमोशनल है। और देखिए किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल दोनों आ चुके हैं, तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पर रियूनियन हो सकता है, बहुत सारे लोगों के पर्सन वापस आ सकते हैं और स्टेबिलिटी दे सकते हैं आपको। ओके, और आपके तरफ वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा प्यारी एनर्जी है। ओके, क्योंकि यहाँ पर गोइंग विद द फ्लो भी आया है जो कि वाटर को दिखाता है, तो उनका जो इमोशन है वो बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है गाइस, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वो आपको मिस करें या फिर मिस करने वाले हैं, तब जाके वो आपके साथ जो है सिचुएशन को बैलेंस करेंगे विद द शादी। देखिए यहाँ पर भी काउंटर पार्ट आ चुके हैं, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, तो बहुत सारे लोगों का रियूनियन होने वाला है, सेपरेशन एंड होने वाला है, आपको क्लियरिटी मिलने वाला है और जो है न्यू बिगनिंग होने वाला है। आपके तरफ जजमेंट जरूर होगा यहाँ पर, और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो यहाँ पर जो है बैलेंस आ जाएगा सिचुएशन में, रिकॉन्सिलेशन हो जाएगा, वापस आपके पर्सन आपके तरफ आएंगे। अगर अनमैरिड हो तो आने वाले टाइम में आपको स्टेबिलिटी मिलेगा, कमिटमेंट मिलेगा इस रिश्ते से। ओके, रेबल क्यों आया है, क्या डिसीजन लेंगे, मूव ऑन करेंगे कुछ सिचुएशन से और पेशेंटली प्लानिंग कर रहे हैं किसके लिए, रियूनियन के लिए, आपके साथ वापस आने के लिए। देखिए कुछ साइकिल, कोई साइकिल वो एंड करना चाहते हैं जहाँ पर वो खुश नहीं है। मून की एनर्जी है, एट ऑफ कप्स है विद द वर्ल्ड, बहुत ज़्यादा दुखी है कुछ सिचुएशन में, इसीलिए वो प्लानिंग करे पेशेंटली ताकि आपके तरफ आ पाए और आपके साथ न्यू बिगिनिंग हो जाए उनका और उनके लाइफ में भी शान आए, हैप्पीनेस आए, अबंडेंस आए, उजाला आए, प्रॉस्पेरिटी आए। तो जो भी उनका बर्डन है, वहाँ पर स्लीपलेस नाइट है उनका, इसलिए वो जो है पावरफुल डिसीजन लेना चाहते हैं आपके साथ रियूनियन के लिए, आपके तरफ वापस आना चाहते हैं, आपके साथ शादी चाहते हैं, आपके पर्सन विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ। ओके, और बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग और क्लियरिटी भी वो चाहते हैं आपके साथ। ओके, तो सारे कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई कर चुकी हूँ, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। टू ऑफ कप्स भी यहाँ पर आए हुए हैं, देखिए तो सारे पॉजिटिव कार्ड हमारे पास आ चुके हैं। तो बहुत रियूनियन करीब है आप लोगों का, स्पेशली जो लोगों का ब्रेकअप सिचुएशन है, ब्रेकअप सिचुएशन एंड हो सकता है, ठीक है, कॉल मैसेजेस आ सकते हैं, कुछ लोगों के पर्सन सडनली वापस आ सकते हैं, क्विक डिसीजन ले सकते हैं आने की, और कुछ लोगों का ऑन एंड ऑफ हो सकता है सिचुएशन, लेकिन अगर फिलहाल आप दोनों का बातचीत नहीं हो रहा है तो वो कॉल मैसेज आपको कर सकते हैं।
तो उनके लिए आपको जो है पॉजिटिव रहना है। बहुत सारे लोगों को कॉल मैसेज रिसीव हुआ है इन दिनों में, वो लोग मुझे मैसेज में कमेंट में बताया है। तो जो लोग पॉजिटिव रह पाओगे, बिलीव रख पाओगे डिवाइन के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर, या फिर जो भी गाइडेंस मिल रहा है आपको उनके ऊपर, तब जाके आपका रियूनियन या फिर कॉल मैसेज आ सकता है। अगर आपका बिलीव डगमगा जाए, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाओ और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख दो, या फिर बहुत ज़्यादा जो है वेटिंग में रह जाओ कि हाँ आ जाएंगे कल आएंगे, परसों आएंगे, तरसों आएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको छोड़ देना है, हाँ आएंगे, ठीक है, मैं अपने लाइफ में खुश हूँ, मैं अपने लाइफ में आप खुद के ऊपर फोकस कर रही हूँ, ऐसा होना चाहिए। तो चलिए कुछ गाइडेंस आज के दिन में देख लेते हैं कि कौन सी गाइडेंस आपको फॉलो करना चाहिए, आपके लाइफ में कैसा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए ताकि आपका लव लाइफ और ओवरऑल लाइफ जो है इम्प्रूव हो सके। प्लीज एंजल गाइड मी। मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, प्लीज एंजल गाइड मी। मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, प्लीज एंजल गाइड मी। मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, आकाशिक फील्ड। तो नॉलेज, विजडम, अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आएगा, अबंडेंस आएगा, उसके आगे आपका जो है सेल्फ अवेकनिंग होगा, आपको नॉलेज दिया जाएगा, आपको कुछ टफ सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा तब जाके आप ये सारे चीज़ को अचीव कर पाओगे, ऐसे ही नहीं आपको मिल जाएगा। जैसे एग्जाम पास करते हैं तो उनके आगे क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, रात जागना पड़ता है, हार्डवर्क करना पड़ता है, तब जाके हम सक्सेस होते हैं। यहाँ पर भी वैसा ही है, आपको जो है काम करना है तब जाके आपको सक्सेस मिलेंगे। विंक्ड मैसेज, तो मैसेजेस रिसीव होने वाले हैं, रियूनियन होने वाला है। अगर कोई छोटा मोटा सा फाइट भी हो जाए तो वो आपके भलाई के लिए भी होगा, ठीक है। आपको डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं और करेंगे आने वाला टाइम में, ऑन ट्रैक। तो कुछ लोग ट्रैक पर आने वाले हो, क्या करना चाहिए, आपका क्या सोल पर्पस है, आपको आगे आने वाला टाइम में क्या करना चाहिए या नहीं, तो आप सही ट्रैक पर आ रहे हो, सही काम कर रहे हो, जो भी आप सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, वो सही है आपके लिए। दी गार्डन, तो बच्चों को लेके अगर आपके घर में या फिर आपके साथ कुछ अनबन चल रहा था तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। आपके एंसेस्टर्स, आपके गुरु आपके आसपास है, वो लोग आपको देख रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। दी किंग ऑफ फोर्सेस, तो आपको नेचर को लाभ करना चाहिए और टेक केयर करना चाहिए। आपके आसपास जितने भी एनिमल्स हैं उनको अनकंडीशनल लाभ दीजिए, प्यार दीजिए, टच दीजिए, ठीक है, और उनको प्रोटेक्ट कीजिए, मदर यूनिवर्स को प्रोटेक्ट कीजिए। दी लुकआउट, तो हो सकता है कि इस तरीके का कोई घटना है आपके साथ घटे, तो आप लोग सतर्क रहिए, कोई दुर्घटना हो सकता है या फिर बैड न्यूज आ सकता है, तो आपको अलर्ट रहना चाहिए, लुकआउट देखना चाहिए, आपको नोटिस करना चाहिए। दी चेस गेम, तो आपके सोसाइटी में या फिर आपके घर के आसपास या फिर रिलेशनशिप में या फिर जॉब के जगह पर छोटा सा फाइट या फिर आर्ग्यूमेंट ऐसा हो सकते हैं। समर एंड विंटर, तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो तो उनका पे बैक होगा आने वाले टाइम में, या फिर अगर बहुत बुरा सिचुएशन चल रहा है तो आने वाले टाइम में आपके लिए हैप्पीनेस भी आएगा, ठीक है। और आपको जो है बाहर जाना चाहिए, फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, मजाक मस्ती करना, ये सारे चीज़ों को आपको करना चाहिए, ठीक है। दी क्वीन ऑफ रोजेस, तो क्वीन ऑफ रोजेस आपके लाइफ में आ रहा है, आपके प्यार के पर्सन वापस आ रहे हैं और बैलेंस आएंगे, रिजॉल्व होगा सिचुएशन, और उसके बाद ही फेटेड मीटिंग है। तो कुछ लोगों का मीटिंग के टाइम हो चुका है और थोड़ी टाइम बाद जो है आप लोगों का मीटिंग हो सकता है। चलिए देखते हैं एंजल आपको क्या बोल रहे हैं आज के दिन में, एंजल आपको क्या गाइड कर रहे हैं।
प्लीज एंजल गाइड मी, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, प्लीज एंजल गाइड मी, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए सिचुएशन में, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। डोंट स्टॉप, जो कर रहे हो करते जाओ, नो नीड टू वरी, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। रिकॉन्सिडर, अगर कोई भी चीज़ में आपका गलती है आपको लगता है तो वहाँ पर जाके रिकॉन्सिडर करिए, अपना गलती स्वीकार कीजिए। टेक एक्शन, आपको काम करना चाहिए, सिर्फ प्लानिंग मत करो, उनके ऊपर काम करो। बिग हैप्पी चेंजेस तभी आएंगे आपके लाइफ में, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, आपका सिचुएशन इम्प्रूव होगा। आस्क फ्रॉम हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप दूसरों से हेल्प मांग सकते हो। अबंडेंस आ रहा है आपके लाइफ में, ओके। तो जिन लोगों का हेल्थ इश्यूज है वो जो है खुद को हील करे, इम्प्रूव करे। तो गाइस ये था रीडिंग नो कॉन्टैक्ट का, अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर से लाइक करना। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए हो, और जो लोग न्यू हो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर देना, ओके। तो गाइस टाटा, टेक केयर योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑल्सो अदर्स, जितना हो सके दूसरों का हेल्प कर देना, जिस भी तरीके का हेल्प जो है आप कर सकते हो वो कर देना, ताकि आपको भी ब्लेसिंग्स मिले और उनका भी जो है हेल्प हो जाए। तो गाइस टाटा, टेक केयर योरसेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।